Hi guys, we are back with another video. और आज हमारे साथ हैं लक्ष्य भाई. हेलो. एकदम क्या पहन के आए? क्या बोलते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आए. और हम सलकनपुर की तरफ जा रहे हैं. भाई ने बोला भैया घूमने का मन है, सैटरडे है, चलो एंजॉय करते हैं. मैंने कहा चलो यार एंजॉय करते हैं. सलकनपुर में एक शायद माता का मंदिर भी है, काफी फेमस. वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं हम लोग घूमने. लेकिन उस तरफ जा रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे. अगर टाइम मिला तो मंदिर भी जाएंगे, बट एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है जी. वो काम निपटा के आते हैं. यस, यहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, फंस गए हैं थोड़ा, लेट हो सकता है सलकनपुर पहुंचने में, बट ठीक है, देखते हैं. हमारे ड्राइवर साहब सुरेश जी, थैंक यू ड्राइवर बोल रही है. एंड हम लोग कौन सी रोड पे? होशंगाबाद रोड पे. कौन सा? हम जा रहे हैं अब्दुल्लागंज, अब्दुल गंजे के पास. अब्दुल्लागंज, ये NH कौन सा है? ये है NH12. बता यार, NH12 का रिश्ता है लड़का और बोल रहा है ना, ये कौन सा है? हम बैंगलोर के वासी. देखो, अरे दो चार दिन बैंगलोर रहने से आदमी बैंगलोर का नहीं हो जाता. कितने दिन कंपनी जाते हो जरा ये भी बताओ. घर पे तो पड़े रहते वर्क फ्रॉम होम में. सही बात है. इस खूबसूरत चेहरे का क्या राज है? तो? क्या खूबसूरत बॉडी बनाई है. बॉडी इस खूबसूरत चेहरे का क्या राज है? आम का लेप लगाइए और ऐसा ग्लो पाइए. प्रोटीन लो, प्रोटीन. इन लोगों ने पूरे इंडिया का फ्लैग ट्राई करा दिया है ब्रिज पे. नाइस. ओके गाइस, हम लोग अब्दुल्लागंज से आगे आ चुके हैं सलकनपुर की तरफ. कैसा लग रहा है गाड़ी में? शायद यहाँ पर भैया आओ दिखाने जाएंगे भाई. हाँ, फास्ट टैक्स से कुछ पैसा करते हुए ये देखिए, यहाँ पे खेती बाड़ी लोग करते रहते हैं. हम यहाँ पे दिन दिन में रगड़ के पैसे कमा रहे हैं ये लोग. बड़े बड़े बाप दादा की जमीनों में मजा मार रहे हैं. तो उल्टा बोल रहा था. पहाड़ देखिए, पहाड़ देखिए, सुमन मंदिर भी दिखाएंगे. हाँ, मंदिर भी दिखाएंगे. देखिए जा रहे हैं कौन से घाट की तरफ? नाम मुझे भी नहीं पता. लेकिन घाट नाम इनको भी नहीं पता. तो ऐसे चीचा सलकनपुर घाट बोल देता. आ गया क्या? आ गया. काफी पास आ चुके हैं. ये सामने आपको देख सकता है सलकनपुर माता का मंदिर, ऊपर पहाड़ों पे. हम वहाँ पे जाएंगे कार से. कैसा सफर? एक नंबर. एक नंबर.
जल्दी आ गए, ज्यादा समय नहीं लगा। ज्यादा नहीं, आजकल क्या रोड अच्छा हो गया ना, हम लोग जब एक टाइम पे आते थे तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाते जी बिल्कुल, और अब तो ऐसा हो गया कि 1.5 घंटे में पहुंच जाओ, तुरंत अपन किए और अपना फेवरेट खाएंगे अपन जी। दाल बाटी यहाँ का फेमस। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद फिर घर चलते हैं। यस, दाल बाफले काफी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। चलिए बोले सब बोले भारत माता की जय, जय माता दी। श्री देवी धाम सलकनपुर पहुँच चुके हैं, अब ये यात्रा पहाड़ के ऊपर आरंभ होगी। टोल टैक्स बैरियर सलकनपुर, टोल टैक्स लगता है ऊपर जाना, टोल टैक्स नहीं है कुछ फीस लगती है जी। आपका स्वागत है, ये देखिए हमारे सरकारी अफसर यहाँ पे भी काला पैसा अंदर डाल रहे काला पैसा नहीं, एक्चुअली डेवलप किया है ना पूरा, तो गवर्नमेंट पैसा ले रही है, उसमें क्या होगा अभी आप फ्री के पैसे। देख सकते हो, कुछ दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है, पहाड़ है ना। टर्न कैसे होता भाई, पैदल चढ़ के आने वाला द्वार है जो सूर्य द्वार आजकल कहलाने लगा है। हाँ, यहाँ से लोग यहाँ से आजकल मुझे लग रहा है सूर्य होगी नहीं रहा, पब्लिक आई नहीं रही, पब्लिक आती नहीं है, हम लोग सब कार से आ जाते हैं, स्टार्ट हो गई हैं और सब कार से आ जाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। सही बात, सही बात है, सूर्य द्वार से आजकल कोई नहीं, कोई नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो फिर से, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे पैदल चढ़ के माता रानी का भक्त आप सबके लिए स्वदेश चढ़ के आएंगे 10-10 किलो की बोरी लेके अपने कंधे पे।
गाइस हमें भी नहीं पता हम क्यों भाग रहे हैं, बट ठीक है। चीचा बहुत भूख लगी थी यार। पापड़ है, पापड़ लिया है, पापड़। अभी हम नीचे जा रहे हैं, दर्शन हो गए माता के। जैसे आपने देखे काफी सुंदर था, काफी अच्छा लगा। लंगूर भाई कंपटीशन कर रहा अपने साथ, ये ऊपर चढ़ा। लंगूर भाई कंपटीशन करते हुए प्रदेश दाल बाफले खाते हुए फैंटा के साथ, काफी अच्छा है। सल्तनपुर के सबसे फेमस दाल बाफले, और पीछे कूलर चल रहा है।